अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शो की किचन में खुश आमदेद। मैं शगुफ्ता खान आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ और जो कि आपको बहुत पसंद आएगी वो है फ़िश कटा कट की। घर के मसालों से बनाएंगे, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक दें आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल सकें। ऑयल ले रही हूँ 1/2 कप, फ़िश ले लिए सैलमन 700 ग्राम, तो तकरीबन 1 किलो के आसपास है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, बिल्कुल इसको सादे तरीके से हमने बस इसको फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन सा इसका कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, हल्की सी ये फ्राई हो गई है और हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है तो हमने इसको निकाल लिया है। इसी ऑयल में मैंने प्याज दे दी है 1, इसको बारीक चॉप कर लिए। इसको हल्का सा हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत डार्क कलर नहीं करना है इसका। लहसुन का पेस्ट ले लिया है, अदरक का पेस्ट ले लिया है, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दही ले रही हूँ 1/4 कप, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली थी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब। इसको अच्छे से मसाले को, तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे, मसाला हमारा बहुत अच्छा भुनना चाहिए। टमाटर ले लिए मैंने, 2 छोटे टमाटर थे उनको बारीक चॉप कर लिए और बहुत अच्छे से इन्हें हम गला लेंगे। टमाटर हमारे बिल्कुल जब गल जाएँ और अच्छे से मिक्स हो जाएँ इसके अंदर और सालन हमारा भुन जाए बिल्कुल, फिर हम इसमें फ़िश शामिल करेंगे। ये देख लें आप, ऑयल जो है इसका सेपरेट होना शुरू हो जाता है जब ये सालन अच्छा सा भुन जाता है, इसकी निशानी होती है कि हमारा सालन अच्छे से भुन गया है। इसमें मैंने जो फ़िश के पीसेस फ्राई किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और स्पून की मदद से इसको हल्के हल्के हम तोड़ देंगे। तो हमें बिल्कुल चूरा नहीं करना है इसका, ये ख्याल रखिएगा, वैसे आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन ये कि थोड़े से चंक्स इसके अच्छे लगते हैं, फ़िश के नज़र आते हैं, आप खाएँ तो मज़ा आता है। सूखी हुई मेथी मैंने भिगो के रखी हुई थी, अब मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसको 2-3 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब हरा मसाला डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये अच्छी सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी डिश हमारी तैयार हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे, रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और बताया करें आपको कैसी लगती है। तो हमारा बहुत ज़बरदस्त सा फ़िश कटाकट तैयार हो गया है घर के मसालों से, बेहतरीन सा। आप ज़रूर ट्राई करें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।